हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और अमेजिंग वीडियो में। और गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेलरेट वर्सेस फास्ट ट्रैक के बारे में। दोनों एलियन गाइस जो बेंटेन के हैं, ये दोनों गाइस स्पीड पर मैटर करते हैं। जैसे कि इनका जो स्पीड है वो गाइस बहुत ज़्यादा होता है। पर गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एक्सेलरेट बेस्ट है या फास्ट ट्रैक बेस्ट है, यानी कि दोनों में बेस्ट कौन है, और अगर दोनों में कभी लड़ाई होती है तो यहाँ पर दोनों में कौन जीतेगा। तो गाइस, आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फास्ट ट्रैक के बारे में, जो कि गाइस हमें बेंटेन अल्टीमेट एलियंस में देखने को मिला था, जहां पर गाइस एल्पिडो भी एक बार ट्रांसफॉर्म होता है फास्ट ट्रैक में और बेन भी ट्रांसफॉर्म होता है फास्ट ट्रैक में। फास्ट ट्रैक के पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो गाइस फास्ट ट्रैक के पास इनहैंड स्पीड, इनहैंड एजिलिटी, इनहैंड स्टेमिना, इनहैंड स्ट्रेंथ, इनहैंड जंपिंग, इनहैंड रिफ्लेक्स, इनहैंड रिकवरी, इनहैंड बैलेंस। और यहाँ पर गाइस जो फास्ट ट्रैक है वो गाइस भारी से भारी चीज़ों को भी उठा सकता है। और गाइस, मैं अगर आपको बताऊँ फास्ट ट्रैक के स्पीड के बारे में, तो गाइस 5000 किलोमीटर पर आवर का गाइस फास्ट ट्रैक का जो स्पीड है वो उतना है। अब गाइस हम लोग एक्सेलरेट की बात करें तो गाइस एक्सेलरेट के पास इनहैंड स्ट्रेंथ, इनहैंड एजिलिटी, इनहैंड जंपिंग, इनहैंड रिफ्लेक्स, इनहैंड रिकवरी, इस तरह से गाइस उसके पास भी पावर्स है। और गाइस अगर मैं आपको एक्सेलरेट का स्पीड बताऊं तो वो है गाइस 22000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि गाइस जो हमारा फास्ट ट्रैक है उससे 4 गुना ज़्यादा स्पीड में जा सकता है हमारा एक्सेलरेट। पर गाइस मैं आपको ये बता दूं कि गाइस एक्सेलरेट जो है वो गाइस स्पीड पर ही डिपेंड करता है, वो गाइस भारी से भारी चीज़ों को नहीं उठा सकता है। इसके अलावा गाइस जो हमारा एक्सेलरेट है वो गाइस अपने पैरों से बहुत स्पीड अटैक कर सकता है, यानी कि गाइस कुल मिला के दोनों जो एलियंस है वो अपने अपने जगह सही है। फास्ट ट्रैक जो है वो भारी से भारी चीज़ों को भी आराम से उठा सकता है और उनको भी अपने स्पीड में शामिल कर सकता है, पर एक्सेलरेट अगर भारी से भारी चीज़ों को उठा लेगा तो उसका जो स्पीड है वो रुक जाएगा, नहीं तो वह अकेले रहेगा तो वह एक बवंडर भी खड़ा कर सकता है, एक टोर्नेडो भी खड़ा कर सकता है। अब गाइस मैं अगर आपको सीधा बताऊं कि गाइस यहाँ पर दोनों में पावरफुल कौन है और कौन है अच्छा, तो गाइस देखो यहाँ पर गाइस दोनों अच्छे हैं, पर गाइस मेरे ख्याल से यहाँ पर फास्ट ट्रैक जो है उसके पास भले ही उतना ज़्यादा स्पीड नहीं है जितना एक्सेलरेट के पास है, पर गाइस फास्ट ट्रैक मुझे अच्छा लगता है। और गाइस फास्ट ट्रैक जो है वो गाइस ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गाइस आप लोग देखो एक्सेलरेट के गाइस दो वीकनेस है, वो गाइस बर्फ में नहीं चल सकता है, वो दौड़ नहीं सकता है, पर एक्सेलरेट पानी में चल सकता है। वहीं फास्ट ट्रैक जो है वो पानी हो जहाँ भी हो गाइस वो जा सकता है, भले गाइस वहाँ पर बर्फ भी हो वो गाइस जा सकता है, पर गाइस एक्सेलरेट बर्फ में नहीं जा सकता है क्योंकि उसके पैर ही नहीं होते हैं, पैर में चक्का टाइप का कुछ बना होता है गोल गोल। और गाइस एक्सेलरेट को अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी से अटैक करेगा तो गाइस एक्सेलरेट कुछ नहीं कर पाएगा, पर गाइस यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी से फास्ट ट्रैक के ऊपर अटैक करेगा तो गाइस वो थोड़ा सा कमजोर होगा, पर गाइस वो पूरी तरीके से कमजोर नहीं हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर विनर होगा गाइस फास्ट ट्रैक, भले ही गाइस उसके पास ज़्यादा कुछ स्पीड नहीं है, पर गाइस फास्ट ट्रैक के पास बहुत अच्छे अच्छे और भी पावर्स हैं, जैसे कि वो किसी के ऊपर जल्दी से जल्दी अटैक कर सकता है, पर गाइस वो चीज़ एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, पर गाइस एक्सेलरेट के पास बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो गाइस आपको एक क्लियर आंसर मिल गया होगा। अगर गाइस आपको इस तरह से और भी वीडियोस चाहिए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, मैं आपको इस तरह से वीडियोस देता रहूंगा।